रांची ईडी के अधिकारियों ने प्लेसमेंट एजेंसी के मालिक के खिलाफ गाली गलौज और धमकी देने का आरोप लगाते हुए एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। प्लेसमेंट एजेंसी बीके हाईटेक ने 2021 में रांची से एक कंप्यूटर ऑपरेटर और 4 सिक्योरिटी गार्ड ठेका पर लिया था। क्या है पूरा मामला बता रहे सहयोगी शहनवाज। हाईटेक नाम की एक प्लेसमेंट एजेंसी ने जो सरकारी कंपनियों को स्टाफ प्रोवाइड करती है, उसने रांची ईडी के अधिकारियों को गाली गलौज किया है। ये गाली गलौज फोन पे किया गया है और देख लेने की धमकी दी गई है। ईडी ने ये शिकायत रांची एसएसपी को की और बाद में ये मामला एसएसपी द्वारा निर्देशित कर रांची एयरपोर्ट थाने में लाया गया है और एफआईआर कंस्टिट्यूट हो गया है। मामला क्या है ये हम आपको बताएं। मामला ये है कि ईडी को एक कंप्यूटर ऑपरेटर और 4 गार्ड की जरूरत थी, लिहाजा एक जेम पोर्टल जो माध्यम है सरकारी ऑफिसों में प्राइवेट कर्मियों को हायर करने का, वो हायर किया गया और हायर 2021 में किया गया। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। ईडी द्वारा पूरे पैसे जो परिश्रमिक उनके बनते थे वो प्लेसमेंट एजेंसी को दिया, साथ में वो पीएफ का और सारा जो मामला होता है वो सब कुछ दिया, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी ने कर्मचारियों को वो पैसे पूरे पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए शर्त और करार के मुताबिक। लिहाजा कर्मचारियों ने शिकायत की ईडी से और ईडी के इन्फोर्समेंट टीम ने बीके हाईटेक नाम की जो कोई पांडे जी हैं उनकी है एजेंसी, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया। ब्लैक लिस्ट होने के बाद जो बीके हाईटेक है बीके पांडे की, बीके पांडे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ईडी के अधिकारियों को फोन मिलाया और कहा कि आपने क्यों हमें ब्लैकलिस्ट किया, और जब वजह बताई गई तो एफआईआर में यह लिखा हुआ है कि बीके पांडे ने ईडी के अधिकारियों को गाली दिया और देख लेने की धमकी दी। बहरहाल ये मामला दर्ज हो गया है और आगे जांच होगी और पुलिस ये जांच करके तय करेगी कि क्या किस चीज में कितनी सच्चाई थी, और अगर बीके पांडे ने ऐसा कुछ किया है तो उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।